नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और मार्केट लाइव में आज एक स्पेशल मुद्दे के ऊपर चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे चना और दालों के ऊपर। सरकार ने हाल ही में चना और मसूर की MSP बढ़ाई है और आयात करने का भी फैसला लिया है। और देख रहे हैं कि उससे पहले स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, फिर आयात हुआ, आयात पर विचार हुआ, फिर आयात का फैसला लिया गया। बहुत सारी जो आयात का फैसला लेने पर और स्टॉक लिमिट लगाना, फिर जो प्रोडक्शन है उसके जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे, इन सब के मद्देनज़र जो दलहन बाज़ार की जो स्थिति है वो असमंजस माहौल सब बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो व्यापारी हैं, जो चना ट्रेडर्स हैं और जो दालों के जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनके अंदर एक असमंजस का माहौल है कि अब दालों की खेती करें भी या ना करें, क्योंकि कुछ फसलें तो बारिश से बर्बाद हुई हैं और अब सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि आयात करेंगी और ऊपर से MSP भी बढ़ाई जा रही है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए आगे, इसके लिए आज एक स्पेशल चर्चा हमने आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। तो जानेंगे आज कि चने में आगे कैसा रुझान रहेगा, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और सरकार ने जो फैसला लिया है क्या वो सही भी है, क्या सरकार जो MSP बढ़ा रही है क्या उस अनुपात में बढ़ा रही है कि जो व्यापारी हैं चने के और दालों के उनकी लागत निकल जाए, और जो आयात किया जा रहा है क्या उसका फैसला सही है। ये सब जानने के लिए बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, सरकार ने हाल ही में म्यांमार से 2.5 लाख टन उड़द दाल और 1 लाख टन तुअर दाल आयात करने का फैसला लिया है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या जितनी खपत है उसके हिसाब से उस अनुपात में आयात किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है आयात करने का और कई देशों से समझौते किए, चाहे जिम्बाब्वे हो, मलावी हो, आपका म्यांमार हो, बर्मा हो, इन देशों से, साउथ अफ्रीका सहित कई देशों से उन्होंने आयात करने के अनुबंध और आयात करने के कई 5-7 तक के समझौते किए। उदाहरण के तौर पे तुअर पे उन्होंने 4-5 साल का समझौता किया है जिम्बाब्वे से, और इन लोगों से भी आगे आयात करने के लिए उन्होंने समझौते किए हैं। जी सुरेश जी, सरकार ने हाल ही में चने और मसूर की MSP भी बढ़ाई है, तो एक तरफ तो सरकार MSP बढ़ा रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है सरकार का? MSP जो चने में बढ़ाई है वो तो काफी कम है, चने में कम से कम 400 रुपए क्विंटल MSP बढ़ना थी, एक बार 130 रुपए बढ़ाई है, और तुअर मसूर में भी MSP 400 बढ़ी है। वर्तमान में मसूर का भाव जो है MSP से काफी ऊपर चल रहा है, तो MSP तो हर साल जो एक निरंतर प्रक्रिया है उसके तहत महंगाई को ध्यान रख के बढ़ती है, मगर इस बार MSP काफी चने में कम बढ़ाई है सरकार। आयात करने का सरकार का निर्णय है, तो MSP और दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आयात करने के कई कारण होते हैं, देश में उत्पादन करना, देश में बारिश के मौसम से माल खराब होना, देश में उत्पादन में वृद्धि होना, तो ऐसे कई निर्णय होते हैं, कमी और वृद्धि, इन सब पे आयात का निर्णय किया जाता है। इस बार उत्पादन भारत में कम हुआ है जी। इस बात को ध्यान रखते हुए ये कई देशों से उन्होंने समझौते किए जो मैंने अभी आपको नाम दिए हैं, तो उस प्रकार से ये, मगर किंतु सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो निर्मला सीतारमण ने 2018 में पॉलिसी निर्धारित की थी, 2019 में निर्धारित की थी, 2020 में निर्धारित, उन तीनों सालों की पॉलिसियों को बदल दिया जी। उन तीनों सालों की पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत सही थी, उसमें आयात निरंतर होता था, 12 महीने तक होता था, दाल इंडस्ट्रीज आयात करती थी, हर महीने माल आता था। अब जो पॉलिसी बनी है वो 5-6 महीने के लिए बनी, अब जो पॉलिसी है उसको 31-10 तक के लिए उन्होंने अवधि दी है, तो उन्होंने पॉलिसी 4-5 महीने के लिए की। जब 4-5 महीने की कोई पॉलिसी भारत सरकार बनाती है तो विदेश से माल आने में कम से कम मिनिमम 2 महीने लग जाते हैं, कनाडा जैसे साउथ अफ्रीका से आने में 2.5-3 महीने लगते हैं, और
जब पॉलिसी आप अगर कम समय की बढ़ाते हैं तो देश के बाहर के व्यापारी अपने यहाँ $200 प्रति टन और $200 के अलावा कंटेनर के भाड़े शिपिंग कंपनियों के भाड़े बढ़ा दे तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारत के उपभोक्ता किसान को और व्यापारी को होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि 6 महीने की पॉलिसी बनेंगे, 1 साल के लिए कम कर दिया, 90 दिन तो माल आयात में लगेंगे, तो मूल तो पॉलिसी की मुख्य अवधि हो जाती है 3 महीने, क्योंकि 3 महीने पहले जो माल निकलेगा वो यहाँ समय अवधि में आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी पॉलिसी बनाने से विदेशों में कीमत बढ़ती है और यहाँ भी कीमत बढ़ती है, यहाँ के आम उपभोक्ता जी। ये बात अभी 3 दिन पहले मीटिंग में मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की प्रमुख सचिव से किया और उनके ध्यान में भी लाया, उस समय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी थे, एफएसआई मंत्रालय के अधिकारी भी थे, तो उनके मन में ये बात स्पष्ट थी कि आम ने रिकॉर्ड में तो 6 महीने का लिखा है मगर बेसिकली वो पॉलिसी 3 महीने की रही, क्योंकि 3 महीने में माल लोड होगा, इंडिया आएगा तो वो तो रास्ते का समय है, सैंपल का समय, माल डिलीवरिंग होने का समय, विदेश से बंदरगाह पे आने का समय, जहाज का इंडिया आने का समय, तो 2 से 3 महीने उसमें लग जाए। तो हमने उनसे पॉलिसी का संशोधन करने का अनुरोध किया। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने चना मसूर की जो MSP बढ़ाई है, आपको क्या लगता है MSP कितनी होनी चाहिए थी कि किसानों की लागत भी निकल जाती और मुनाफा भी हो जाता? नहीं, चने की MSP का हमने 6,000 सरकार से अनुरोध किया था जी कि आप इसकी MSP 6,000 रुपए रखें और 6,000 रुपए की जगह सरकार ने 130 रुपए इस साल बढ़ाई है। पिछली बार तो अलग बात थी मगर इस बार उत्पादन कम हुआ है जी, चने का मध्य प्रदेश राजस्थान में उत्पादन कम हुआ है, तो चने की एफसी पिछले वर्ष की तुलना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी मगर उससे कम बढ़ी है, मगर ये सरकार का निर्णय है, जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा जी। तो यानी कि चने की MSP जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी उतना नहीं बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी सुरेश जी के अनुसार, तब जाके किसानों की लागत निकल पाती। जिस हिसाब से अभी महंगाई दर बढ़ रही है, साल दर साल महंगी कीमतें देखने को मिल रही हैं, लेबर कॉस्ट आती है और उस पर जो दवाइयां लगती हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, उन सब की मद्देनज़र जो MSP है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी ताकि किसानों की एटलीस्ट लागत तो निकल पाए और मुनाफा भी थोड़ा बहुत किसानों को हो पाए। सुरेश जी, सुनने में ये भी आया कि भारत ने पहली बार रशिया से 6 महीने के लिए मसूर दाल का आयात किया है, तो आपको क्या लगता है ये जो आयात किया जा रहा है ये मसूर दाल की कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है या फिर उत्पादन कम है मसूर का, क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार ने मसूर की MSP भी बढ़ाई है और दूसरा आयात भी चालू कर दिया रशिया से? नहीं, इस बार देश में मसूर का उत्पादन बहुत कम हुआ है जी, पिछले 2-3 साल देखे हैं तो उनकी तुलना में इस वर्ष मसूर का उत्पादन बहुत कम हुआ है, इसलिए सरकार ने मसूर की MSP रीजनेबल बढ़ाई है और मसूर की MSP रीजनेबल बढ़ाने के साथ आयात किया तो वो आयात पहले करना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि इस आयात को आप समय से 4 महीने पहले करें, जब मार्केट बढ़ जाता है, प्राइजेस अप हो जाती है देश में और देश के बाहर, तब आयात होता है तो उसका उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलता है। तो हमने सरकार से कहा कि आप आयात जल्दी करें, वो आयात कर रहे हैं, जब उत्पादन घटा है तो आयात करना चाहिए, इसमें कोई 2 मत नहीं, और रशिया से आयात कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन कम है तो उसको आयात की पार्टी से जो है मसूर मंगाने की, बस उसमें इनको सरकार को यह निर्णय अप्रैल में करना चाहिए जो उन्होंने लेट जाके किया है। जब अप्रैल में ही पता लग गया, फरवरी मार्च में सरकार को ये बात मालूम थी, सरकार को हमने ध्यान में लाया कि चने का उत्पादन घटा है, मसूर का उत्पादन घटा है, तो निर्णय उस समय करना था मगर उन्होंने 5-6 महीने बाद किया है, देर सही निर्णय तो सरकार ने किया है जी। तो यानी कि पता तो पहले ही लग गया था सरकार को कि मसूर का उत्पादन इस साल भारत के अंदर काफी कम है, तो निर्णय उस समय ना लेके थोड़ा देरी से लिया गया है, लेकिन निर्णय सही लिया गया है, मसूर का आयात किया जा रहा है जिससे कि पूर्ति की जा सके। और ये भी देखने में आया है कि आयात के होने से मसूर दाल की जो कीमतें हैं बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर, वो भी कम देखने को मिली है और बाजारों में भी मसूर दाल की कीमतों पर हल्की फुल्की नरमी
आती हुई नजर आई है। जो दाल पहले 100 रुपए किलो के अधिक बिक रही थी उसके अंदर अब थोड़ी बहुत नरमी भी देखने को मिली है। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस समय आपकी तरफ से चना और दाल व्यापारी के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या सजेशन रहेगा कि इस समय चना और दाल के व्यापारी और कारोबारी क्या करके चल सकते हैं, अगर जैसे आपको अगर बाजार लगता है कि आगे तेजी आएगी या मंदी? नहीं, तेजी मंदी उत्पादन और मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है जी। हमने देखा इस साल मध्य प्रदेश राजस्थान में चने का उत्पादन घटा है, मगर ठीक इसके विपरीत जो गुजरात में चना होता था वहाँ लगभग 3 लाख मैट्रिक टन 3.5 लाख मैट्रिक टन चने का उत्पादन होता था, वो लगभग 8 लाख से 9 लाख मैट्रिक टन हुआ, तो गुजरात में उत्पादन बढ़ा है। तो ये मत कहीं घटा है कहीं बढ़ा है, मगर ये जरूर है कि किसान को अगर हम चने का 6,000 रुपए मूल्य देंगे तो वो उत्पादन और बढ़ाएगा, जब तक उसका लागत मूल्य, उसकी मजदूरी, उसकी काश्त, दवाई, खाद, बीज, इनका खर्चा नहीं निकलेगा तो वो दलहन के उत्पादन में कम रुचि लेगा। अब किसान तिलहन के उत्पादन में रुचि लेगा क्योंकि तमाम तरह के तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सभी तेल आइनफील्ड में काफी कीमतें कई गुना बढ़ी है, तो किसान उस तरफ ज्यादा खेती पर ध्यान देगा, सरसों की खेती करना, मूंगफली की खेती करना, सोयाबीन की खेती करना। तो सरकार को चने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना थी ताकि वो दलहन के उत्पादन में किसान अपना योगदान दे, अपनी रुचि रखे, वो दूसरे फसलों में डाइवर्ट ना हो जी। अब आगे भविष्य में जो देखा जाए तो नई फसल की जो बुआई है वो दिवाली पे होती है, गेहूं कटने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में चने का उत्पादन के लिए सोइंग होती है, तो नया चना जो है वो जनवरी तक आएगा, तो आज लगभग 4 महीने का उसमें गैप है नई फसल आने में, तब तक चने में कोई मंदी आए ऐसी संभावना नहीं है, बाजार नीचे जाए इसकी भी उम्मीद कम है जी। मौसम के कारण कोई परिवर्तन हो वो एक अलग फैक्टर है, पर अभी तो सब ठीक है क्योंकि चने की अभी बुआई प्रारंभ नहीं हुई है, जब प्रारंभ होगी उस समय इसका मेन असर आएगा। एक तरह से देखा जाए तो चने में सरकार को चिंता करना चाहिए, चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः MSP पर विचार करना चाहिए ताकि किसान इस पे जाए। MSP उड़द की भी कम है, MSP तुअर की भी कम है, चने की भी कम है, जब हम MSP कम रखते हैं तो ऑयल सीड में, सोयाबीन में किसान डाइवर्ट होगा, तो इस बात को चिंता करना होती है। अगर हमारे यहाँ MSP सही रहे, किसान की लागत मूल्य मिले, तो हमको विदेश से आयात करने की जरूरत नहीं। अभी सरकार ने जिनको आयात की अनुमति दी है इस बार पॉलिसी परिवर्तन करके अनुमति दी है, तो उसके कारण उन लोगों के पास माल चला गया है जो देश के बाहर से लाके अपने गोदाम में, अपने वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं। दाल इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देते तो वो माल मंगा के दाल बनाते और दालों के निरंतर सप्लाई, तो सरकार को पॉलिसी नहीं किया, हमसे बनता है। हमने ये बात अभी 3 दिन पहले माननी प्रमुख सचिव के समक्ष रखी भी थी कि आप गोदामों में जो माल है उसको बाहर निकालिए, दाल तो दाल मिल वाला बनाता है, कोई ट्रेडर्स व्यापारी, कोई इंपोर्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां दाल में बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाज के जहाज भर के ले आती है आयात की अनुमति के अंतर्गत, मगर उसको प्रोसेस करना, दाल बनाना, देश की आम जनता को दाल उपलब्ध कराना, यह काम दाल इंडस्ट्री करती है। तो दाल इंडस्ट्रीज को अगर सरकार आयात की अनुमति देती तो कीमतें भी एकदम नहीं बढ़ती और हर महीने आयात होता। अभी आयात कुछ समय के लिए सीमित है, उसके कारण ये दिक्कत हो रही। मैंने सरकार से ये भी कहा है कि 31/10 को जो आपने आयात की अवधि खत्म की है उसको आप 31 मार्च करें तो ताकि वो आयात हो सके जी। तो यानी कि अगर आयात की अनुमति सरकार दाल मिलों को, दाल मिल इंडस्ट्री को देती है तो कीमतें भी एक दायरे में रह सकती हैं, सबको फायदा भी हो सकता है और वक्त पर आयात भी हो सकता है, क्योंकि आयात तो बड़ी बड़ी कंपनीज और इंपोर्टर्स कर लेते हैं लेकिन उसको आगे प्रोसेस करना वो दाल मिल इंडस्ट्री करती है, और दाल मिल इंडस्ट्री के ही हाथ में पूरी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब कि अभी कितनी ज़रूरत है, कितनी निर्यात आयात देखने को मिल पाएगा और
आगे क्या आंकड़े रह सकते हैं, बुआई की रिपोर्ट्स, बुआई के आंकड़े, तो दाल मिल इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों का ज़्यादा पता रहता है। तो अगर इनके हाथ में आयात का फैसला दिया जाए तो जो दालों की कीमतें हैं वो भी ठीक ठाक देखने को मिल सकती हैं और किसानों को भी फायदा मिल सकता है। सुरेश जी, हमारे चैनल से बहुत सारे ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार डॉलर चने को लेकर आता है। सुरेश जी, आपसे डॉलर चने के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आंकड़े हैं, कैसा बाजार है, कितनी मंदी तेजी है और आगे क्या देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश राज्य ऐसा जहाँ होता है, मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जी, जैसे उदाहरण बतूर, इंदौर जिला, धार जिला, उज्जैन जिला, आगर मालवा, खरगोन जिला, बुरहानपुर जिला, आपके इधर चले जाएं तो सीहोर, देवास, ये जो 10-15 एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम मालवा मध्य प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर डालर चने का उत्पादन होता है और इसी की क्वालिटी और इसी की जो ग्रोथ होती है वो यहाँ की होती है और पूरे देश में, ये मध्य प्रदेश में ही होता है। और इसकी खपत देखा जाए तो इसका जो खपत है वो देश के बाहर होती, दुबई जाता है, कोलंबो जाता है, अल्जीरिया जाता है, कनाडा जाता है और देश के बाहर इसकी ज्यादा उपयोगिता होती है। तो ये लगभग काफी बड़ी मात्रा में देश के बाहर जाता है और उत्पादन जो है इसका, हम ऐसा मानते हैं कि 4 लाख मैट्रिक टन तक इसका उत्पादन होता है। इस बार इसके उत्पादन में गिरावट आई है, इस कारण डॉलर चने की कीमतें बढ़ी है। तो उत्पादन डॉलर चने का मध्य प्रदेश में कम हुआ है, इसलिए इसकी कीमतें काफी अच्छी हो गई है और किसान अच्छी कीमत की तरफ हमेशा डाइवर्ट होता है, चाहे मूंगफली की फसल हो, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे सोयाबीन की, जिसकी कीमत तेजी रहेगी, अधिक रहेगी, वहां किसान का ज्यादा रुझान होता है। तो अभी डॉलर चने के कीमतें बढ़ने के कारण इसका कुछ रकबा बढ़ने की संभावना बनती है जी, और काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और ये मध्य प्रदेश में जनरली होता है, बाकी राज्यों में इसका उपयोग नहीं के बराबर है, कम मात्रा में होता है, छोले टिकिया में होता है, मगर इसकी ज्यादातर खपत हिंदुस्तान के बाहर ही होती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी। तो जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि सरकार ने MSP बढ़ाई है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ाई है जितनी किसानों को उम्मीद थी। कम से कम चने की MSP सुरेश जी के अनुसार 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए, तब जाके किसानों की लागत निकल पाएगी और किसानों को कुछ मुनाफा देखने को मिल पाएगा। हाल फिलहाल में चने की MSP 5230 की गई है, पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी, 130 रुपये को उसमें इजाफा किया गया है और अब 5230 हो गई है। वहीं मसूर की भी MSP बढ़ोतरी के बाद अब 5500 रुपये क्विंटल हो गई है, 400 रुपये की बढ़ोतरी मसूर की कीमतों में भी की गई थी। वहीं रशिया से मसूर दाल का आयात भी हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि और ये जो छः है, ये जो मसूर दाल का जो आयात है ये 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि इस साल, मौजूदा साल में, वर्तमान में मसूर दाल का जो उत्पादन है भारत में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। इसीलिए सरकार ने सही फैसला लिया है मसूर दाल का आयात करने का। इससे क्या होगा, आपूर्ति भी रहेगी और जो सप्लाई है ठीक ठाक देखने को मिलती रहेगी और दूसरा, कीमतें भी दालों की इतनी देखने को नहीं मिलेगी। ये सब बात करें डॉलर चने की, तो डॉलर चने में सुरेश जी के मुताबिक अभी हाल फिलहाल में तेज़ी देखने को मिल रही है, डॉलर चने की कीमतें में अभी तेज़ी जारी रह सकती है, क्योंकि इस साल डॉलर चने का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा और मध्य प्रदेश में सबसे कम अभी डॉलर चने का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम देखने को मिला है और निर्यात भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डॉलर चने की जो कीमतें हैं उनमें अभी उछाल ही देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चना और दलहन के बाजार पर पसंद आई होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।